tell me. You tell me what is the vibe? आपने क्या सुना? Good, good. बस feel good good ही है. Good is strong. That's the thing. हाँ जी. Can you start? Start? जब आप मिली गए हो. मैं क्या बताऊँ, आप बोल रहे हैं लोग प्रेशर, लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं, लोग पसंद कर रहे हैं, तो उससे ज़्यादा मतलब एक फिल्म मेकर के लिए क्या बात हो सकती है? और जिस तरह से लोग प्रेस कर रहे हैं, जिस तरह से प्रशंसा मिल रही है, वो मतलब इट्स वेरी हम्बलिंग, वो दिल को छू लेने वाली प्रशंसा है. जब बड़े बुजुर्ग आके बोलते हैं कि बेटा तुमको आशीर्वाद रहे, तुमने इतनी अच्छी पिक्चर मिली है. जब छोटे बच्चे आके बोलते हैं भैया आपने बहुत अच्छी पिक्चर बनाई है, कुणाल भैया आपकी पिक्चर बहुत अच्छी है. और जब मैं खुद देखता हूँ कि पब्लिक के चेहरे पर एक मुस्कुराहट है, तो बहुत अच्छी फीलिंग महसूस होती है. यू फील वेरी नाइस, यू नो. जी देखिए, बच्चे जो हैं ना, वो दिल के, वो तो सबको पता है, उनका दिल बिल्कुल साफ होता है. दे बच्चों के माइंड को आप कुछ मैनिपुलेट नहीं कर सकते, आप कुछ प्ले नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते. बच्चों का दिल एकदम साफ होता है, और वो बस एक साफ दिल से जब एक रिएक्शन आती है ना, उससे बेटर कुछ नहीं हो सकता. कुछ नहीं, नथिंग इन द वर्ल्ड इज़ बेटर देन दैट. जब आप बच्चों के चेहरे पर मुस्कुराहट देखते हो, जब मैं थिएटर पर गया हूँ और मैं देख रहा हूँ बच्चों को खुशी खुशी अंदर आ रहे हैं, उससे भी ज़्यादा खुश बाहर जा रहे हैं, तो दैट इज़ द बेस्ट कॉम्प्लीमेंट फॉर अ फिल्म मेकर. मैं ये इंस्पिरेशन मुझे बचपन से मिला है कि आजकल, और मासूमियत से मिला है कि आजकल हम मासूम फिल्में, बच्चों की फिल्में बना नहीं रहे, और हमारे अंदर जो बच्चा है उससे बात नहीं कर रहे. आई एम नॉट अ चाइल्ड एनी मोर, एंड इट्स वेरी डिफिकल्ट. बच्चों की फिल्म बनाना बहुत मुश्किल है. इट नीड्स अ लॉट ऑफ हैंडलिंग, मच्योरिटी टू मेक अ चिल्ड्रंस फिल्म. बच्चों की फिल्म बनाना बच्चों का खेल नहीं है, बहुत मुश्किल है. तो when I thought I was ready to make a film for children or for the child inside us, तब मैंने ये फिल्म अटेम्प्ट की. ये एक्चुअली मेरी चारों फिल्मों में से सबसे मुश्किल फिल्म थी ये बनाना, क्योंकि जैसे मैंने कहा, हम बड़ों को थोड़ा मैनिपुलेट कर सकते हैं, बैकग्राउंड म्यूजिक से, ट्रॉली से, क्लोजअप से, स्टार से, कुछ चीज से, बच्चों को मैनिपुलेट आप नहीं कर सकते. चैलेंज है किसी बच्चों का मैनिपुलेशन तो हो ही नहीं सकता है, वो इतने साफ दिल के कैसे करोगे. तो यू हैव टू जस्ट टेल. तो मैंने एक सिंपल सी स्टोरी सिंपल तरीके से की है, और अच्छा लग रहा है कि बच्चों को पसंद आ रही है. खास तौर से देखा जाता है कि आपकी जितनी मूवी में रानी मुखर्जी को ज़्यादा रिपीट किया जाता है, तो उनके साथ एक एक अच्छा रिश्ता है रानी के साथ. और जब अच्छा रिश्ता है तो क्यों नहीं कायम रखें. और तीन फिल्में की हैं, और मैं, मेरा ये मानना है कि लोगों के साथ काम करने का मज़ा जो है वो और सालों के बाद आता है. अब जैसे आदित्य चोपड़ा के साथ ये मेरी चौथी फिल्म है, दिस वन एज पार्टनर्स, तो अब हम एक दूसरे को और अच्छी तरह समझते हैं और अच्छी तरह जानते हैं. तो जितने जितना आप एक आदमी के साथ काम करोगे, उतनी उतना कंफर्ट लेवल बढ़ता है, और यही हुआ है मेरे साथ विद रानी. रानी मुखर्जी इस फिल्म में एंजल का फॉर्म निभा रही है, तो आपको लाइक कैसे लगा कि रानी ने ये परफेक्ट कर सकी है? रानी की जो कनेक्टिविटी है ना लोगों के साथ, वो बहुत स्ट्रांग है. हमने एक शो रखा था कुछ बच्चों के लिए फॉर द म्यूज़िक लॉन्च, जैसे उसने बच्चों के साथ कनेक्ट किया उस शो में ना, वो कमाल का था. तो दैट्स हाउ शी इज़ कनेक्टिंग विद द फिल्म ऑल्सो, एंड आई नो दैट क्वालिटी इन हर, कि वो लोगों के दिल पर डायरेक्ट पहुंच जाती है. दैट्स व्हाई शी इज़ द बेस्ट एंजल फॉर मी. फिल्म में रानी तो सुपर हीरोइन है, पर जानना चाहेंगे कि आपके बचपन में कौन आइडल सुपर हीरो थे? मेरे आइडल सुपर हीरो थे फैंटम. मैं फैंटम का बहुत बड़ा फैन था, और फैंटम की कॉमिक्स हर दिन पढ़ता, ऑलमोस्ट रोज पढ़ता था. और मुझे अमर चित्र कथा कॉमिक्स भी बहुत अच्छी लगती थी, और अमर चित्र कथा कॉमिक्स ऐसी कॉमिक्स हैं जो माँ बाप बच्चों के लिए खुशी खुशी खरीदते हैं. और मैंने सोचा कि ऐसी एक फिल्म बनाई जाए जहाँ माँ बाप बच्चों को लेकर आए. और आप मानेंगे नहीं, कुछ थिएटर से स्कूल्स की इंक्वायरी आ रही है कि हम स्कूल के बच्चों को लाना चाहते हैं एज अ स्कूल. तो पूरे स्कूल जब आने वाले हैं फिल्म को देखने के लिए, और ये सबसे बड़ी बात है कि मतलब स्कूल्स बुकिंग करने वाले हैं टू कम एंड सी थोड़ा प्यार थोड़ा मैजिक, क्योंकि स्कूल्स भी बोल रहे हैं कि ये फिल्म स्कूल के बच्चों को देखनी चाहिए. तो दैट्स द बेस्ट पार्ट ऑफ द फिल्म. आगे आप किस तरीके के जॉनर्स में? मैंने हमेशा अलग जॉनर्स बनाए हैं.
मुझसे दोस्ती करोगे, हम तुम, फना, थोड़ा प्यार थोड़ा मैजिक, मैंने किसी भी जॉनर को रिपीट नहीं किया है, तो मैं हमेशा अलग जॉनर ही बनाऊंगा, लेकिन अब आई जस्ट अब मैं सिर्फ ये चाहूंगा कि थोड़ा प्यार और मैजिक हर जगह स्प्रेड हो। जानना चाहेंगे कि आपकी लाइफ में थोड़ा प्यार और थोड़ा मैजिक कब आया? जो पब्लिक के जो रिएक्शंस मिल रहे हैं ऑनेस्टली, वो मुझे प्यार और मैजिक दिखा रहे हैं, और वो रिएक्शंस जो मिल रहे हैं वो ये सच्ची मेरे ज़िंदगी में प्यार और मैजिक ला रहे हैं। बच्चों के चेहरे पर मुस्कुराहट, माँ बाप के चेहरों पर मुस्कुराहट, पूरे फैमिलीज, बड़े बुजुर्ग, दादा दादी, सब लोग जब साथ में आकर पिक्चर देख रहे हैं, और अगर उनकी नज़र मेरे पर पड़ी थिएटर के बाहर, आशीर्वाद दे रहे हैं, स्माइल कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। वही मेरी ज़िंदगी का भी प्यार और मैजिक है। आगे किस तरीके से सेलिब्रेट करने का प्लान है जो सक्सेस के लिए? अब एक बार सब लोग बोल लें, आप मीडिया वाले सब लोग बोल लें कि हाँ भाई पिक्चर सुपर हिट है, तब सेलिब्रेट करेंगे। लेकिन इस फिल्म की सेलिब्रेशन भी कुछ स्पेशल होनी चाहिए। जब होगी उनके हाथ में है, आप सबके हाथ में है, बच्चों के हाथ में है, बड़े बुजुर्ग के हाथ में है, जब होगी तो एक स्पेशल सेलिब्रेशन होगी।